महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय चौमुखा पुल पर लोह पुरुष और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 67वीं पुण्यतिथि पर एक सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा और संचालन मोहम्मद समी ने किया। सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर सभी कांग्रेस जनों ने फूलमाला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा से जिला उपाध्यक्ष सफदर न्याजी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के एडवोकेट जावेद रशीद, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव सरवर हुसैन, उपाध्यक्ष अकरम खां, जिला सचिव मजदूर सभा अनवर हुसैन, मसूद अख्तर, मोहम्मद ताहिर, मुमताज हुसैन, शानू वारसी आदि अनेकों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा के द्वारा प्राप्त की। अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन सभी का मन की गहराइयों से स्वागत और सत्कार करते हैं। आगामी 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में फिरका परस्त ताकतों को हराकर कांग्रेस की सरकार बनेगी। सभा में मुख्य रूप से अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा, असद मौलाई, शिवराज सिंह गुर्जर, अनुराग शर्मा, जई अहमद चौधरी, खालिद नूर, अशोक कपूर, वसीम कुरैशी, मोहम्मद शमी, अनिल गुर्जर, जगजीत सिंह के अलावा अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज क्या कार्यक्रम है? आज महानगर कांग्रेस कमेटी पे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज समस्त कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित करी है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और उनका जो योगदान इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में रहा है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है, उसे कोई भुला नहीं सकते हम। और जो उनके अधूरे सपने थे, सबने ये निर्णय लिया है कि जो उनके आधे सपने जो रह गए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की को लाने के लिए देखे थे, उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। इसके अलावा अगर अभी आप कुछ बात भी कह रहे हैं, किसी और को याद नहीं है, क्या सही बात है? मैं समझता हूँ, मैं आपके माध्यम से ही ज़्यादातर, क्योंकि अभी तो मैं सुबह से टाइम नहीं मिल पाता टीवी देखने का। बहरहाल पहले भी आपके देखा होगा, आपने सुना होगा, पहले गैर पार्टी के जो और लोग हैं कांग्रेस को छोड़ के बड़े बड़े जो है मूर्तियों लगाने के वायदे करे थे। और मैं समझता नहीं हूँ कि किसी अखबार में कोई जिक्र भी करा किसी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज सुबह उठते अखबार सबके घर के आगे जाता है, बड़ी बड़ी बातें होती है। मैं समझता हूँ शायद चुनाव तक के मुद्दा था सरदार जी का नाम इस्तेमाल करने का पटेल साहब का, अब चुनाव निपट गए, सब भूल गए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।